सब्सक्राइब कीजिए एमडी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यह वीडियो बनाई गई है। तो यह पंखा एक सिनी फैन है। अधिकतर आपने देखा होगा कि चलते चलते आपका पंखा अचानक से रुक जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरी बात, आपको सिर्फ सावधानी की नहीं बरतें। अगर आपका पंखा चलते चलते अचानक ख़राब हो जाता है तो आप डायरेक्टली उसे हाथ नहीं लगाएं, और आप जरा जब भी आप पंखा खोलें ऊपर से, जब भी निकालें तो थोड़ी केयरफुली बरतें। आप पंखा आपका जब बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में पंखे में फिर भी करंट रहता है। जी हाँ, फिर भी उसमें करंट रहता है। करंट एक चीज़ में रहता है, मैं बता देता हूँ आपको। अगर पंखा नहीं घूमता है तो पंखा की जो कॉइल है वो डायरेक्ट हो जाती है। डायरेक्ट होने के साथ साथ में ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं इसके अंदर करंट भरा जाता है, मतलब ये चार्ज हो जाता है। इसे डिस्चार्ज कैसे करते हैं वो बताऊँगा आप मैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने क्या करना है कि आराम से आपको कंडेंसर निकाल लेना है। निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा आप केयरफुली बरतोगे तो थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जैसे पंखा ख़राब हो चुका है, ये नहीं घूम रहा है, तो आपने इसे हल एक टेस्टर की सहायता से इसे बिना तार को ऐसे छुए आपने इसको थोड़ा सा निकाल लेना है। आपको छूना नहीं है। इसके जो तार हैं इनको निकाल लेना है। कैसे निकालना है? इस प्रकार से, ये मैं जैसे निकाल रहा हूँ तार, इस प्रकार से अलग अलग कर देना तार। फिर इसको भी उसी तरीके से ये तार निकालना है। ये निकाल चुके हैं और मैंने कैपेसिटर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने कैपेसिटर निकाल लिया है। इसे अब मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे डिस्चार्ज करते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं कि एक बार ये अगर इसमें करंट आने के बाद में आपको अगर इस प्रकार से डिस्चार्ज करना है इसे, तो उसके बाद रिटर्न करंट नहीं आएगा। उसके बाद आप दूसरा कंडेंसर इसमें लगा सकते हैं अगर आपका पंखा चालू हुआ तो, नहीं तो आपको पंखा बनवाना ही पड़ेगा मैकेनिक से। सिर्फ और सिर्फ मैं इस कंडेंसर की वीडियो लेकर आया हूँ कि आप किस प्रकार से आपकी सुरक्षा करेंगे और किस प्रकार से आप कंडेंसर का प्रयोग करेंगे। नया कंडेंसर 250 का ही डालें, आप 315 का ना डालें, सिर्फ 250 का ही डालें। आपको ये दिखा देता हूँ कि इस प्रकार सा कंडेंसर आता है, इस प्रकार का कंडेंसर ही डालें। एक और कंडेंसर आता है स्पीड तेज करने के लिए, वो लगता तो है दूसरे पंखों में ये वाला, लेकिन जो भारी पंखे होते हैं उनमें ये कंडेंसर काम आता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।